राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की शुरुआत हो गई। बजट सत्र के पहले दिन संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया गया। इसमें सरकार ने विकास दर 7 से लेकर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। मौजूदा वित्त वर्ष में GDP 6.75% हो सकती है, तो वहीं कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई गई है। इसके साथ ही सरकार का जोर उत्पादन बढ़ाने पर रहने वाला है। संसद में आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद भी शेयर बाजार लगातार ऊपर जा रहा था। शेयर बाजार आर्थिक सर्वे के बाद भी 300 अंक की बढ़ोतरी के साथ 36,350 पॉइंट पर कारोबार कर रहा था। आर्थिक सर्वे में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात भी सर्वे में सामने आई है। वहीं सरकार का जोर इस बार पैसे जुटाने पर नहीं बल्कि विकास के लिए पैसे खर्च करने पर होगा। पर्यावरण प्रदूषण पर आर्थिक सर्वे में चिंता जताई गई है। नवंबर 2016 के बाद से 18 लाख नए टैक्स पेयर बने हैं। अप्रत्यक्ष करदाताओं में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। GST लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर चुकाने वालों की संख्या में 50% तक की बढ़ोतरी नजर आई है। सर्वे में भारत और इंडोनेशिया में जन्म लेने वाले लड़का और लड़की के अनुपात की भी तुलना की गई है। इस बार आर्थिक सर्वे में सामने आया है कि भारत में बेटे की चाहत ज्यादा है, इसलिए लड़का और लड़की के बीच अनुपात में समानता नजर नहीं आती। साथ ही आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि एक्सपोर्ट में सुधार देखने को मिल सकता है। इस साल चालू खाता घाटा 1.5 से लेकर 2% तक रह सकता है। वहीं वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में कृषि में 2.1% की ग्रोथ हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बजट शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि सपने पूरे करने वाला बजट लेकर आएंगे।